हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है मर्सिडीज़ बेंज में। सो दोस्तों, यहां पर जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, किसी भी तरह का रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी रहेगी और काफ़ी अच्छी सैलरी कंपनी आपको स्टार्टिंग में ही दे रही है। तो पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट ओपनिंग आए उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा आपको डिटेल में बता रहे हैं किस तरह आप इस ओपनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने गूगल खोलना है और गूगल के अंदर टाइप करना है मर्सिडीज इंडिया करियर्स। जैसे ही मर्सिडीज इंडिया करियर्स लिख के आप सर्च करेंगे तो मर्सिडीज़ का जो पहला पेज होगा यहाँ पर, उस पर आपने दोस्तों लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है फिर करियर्स के पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप पहुँचेंगे, ये देखिए करियर्स का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है मर्सिडीज़ बेंज का। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे दोस्तों, आपने नीचे आना और यहाँ पर फिर क्लिक करना है अपॉर्चुनिटीज़ एट मर्सिडीज़ बेंज इंडिया। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, फर्दर यहाँ पर पेज ओपन होगा मर्सिडीज़ बेंज का। सो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 से ज़्यादा यहाँ जॉब्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में मर्सिडीज़ बेंज में लगाई हुई है। अब आपने जो क्लिक करना है वो यहाँ पर कंट्री पे क्लिक करना है, जिस पे हम यहाँ पर क्लिक जो है इंडिया पे करेंगे और इंडिया की वैकेंसीज़ को आपके सामने बताएंगे। सो दोस्तों, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की वैकेंसीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे 400 से ज़्यादा जो है इंडिया की वैकेंसी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है। सॉफ्टवेयर के लिए है वैकेंसी मर्सिडीज़ बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया। सो ये बेंगलोर के लिए HIL वैलिडेशन इंजीनियर सिस्टम इंजीनियर यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी यहाँ पर डिप्टी मैनेजर। ज्वाइनिंग आपकी इमीडिएटली रहेगी जो ये वैकेंसी दिखा रहा हूँ, और कुछ की है जुलाई में वैकेंसी। आप आगे देखेंगे डेवलप लीड की वैकेंसी है, सीनियर डेवलप इंजीनियर है। तो इसी तरह देखेंगे ICC टेम्पलेट है यहाँ पर, ठीक है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये सभी सॉफ्टवेयर की वैकेंसी। हम फिर क्लिक करेंगे लोड मोर पे डेवलपमेंट सीनियर इंजीनियर। इसी की तरह दोस्तों, आप अलग अलग वैकेंसी SAP से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे आना और यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपको वैकेंसी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नीचे आना और इंटीग्रेशन इंजीनियर के बाद आपने यहाँ पर देखना, उसको सर्च भी कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखाऊंगा। फिर है इंटीरियर डेवलपमेंट की वैकेंसी। ये सभी लेटेस्ट वैकेंसी कंपनी ने अपडेट की है अपने पेज पर यहाँ पर। उसके बाद आपने आना सीनियर बैकएंड इंजीनियर, फिर आना सीनियर बैकएंड इंजीनियर, उसके बाद नीचे टेक्निकल लीड। फिर देखिए यहाँ पर जो आपको फैक्ट्री प्लानिंग की यहाँ पर मैं वैकेंसी बता रहा हूँ। सो दोस्तों, ये है फैक्ट्री प्लानिंग इंजीनियर न्यू, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे, एक और आप नीचे देखेंगे फैक्ट्री प्लानिंग इंजीनियर न्यू। तो इसके लिए बल्क में ओपनिंग है। सो यहाँ पर जो कंपनी ने वैकेंसी निकाली है, ये बल्क में ओपनिंग निकाली है। तो पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको बताएंगे। डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग रहेगा, ठीक है। और मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के लिए वैकेंसी है। लोकेशन जो आपकी रहेगी वो पुणे लोकेशन यहाँ पर रहेगी। 16 तारीख को कंपनी ने वैकेंसी निकाली थी। कंपनी ने जहाँ पर रिक्रूटमेंट करनी है अपनी, 2-3 महीने में रिक्रूटमेंट करनी है, और 1 अक्टूबर 2024 को कंपनी को यहाँ पर सभी को एनरोल करके उनको ज्वाइनिंग करवा देनी है। तो बल्क में ओपनिंग है, ज़रूर अप्लाई कर लें। आइए, फुल टाइम ओपनिंग है। तो पूरा डिटेल में आगे आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर रहेगी। सो दोस्तों, ये आपकी सभी जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी को किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। तो कंपनी यहाँ पर लिख रही है एक्सपीरियंस इन कंपोजिट टूलिंग डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, एबिलिटी टू 3D मॉडलिंग एंड ये सारी चीज़ें अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। शो मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले। यहाँ पर जो है कंपनी ने किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है कि एक्सपीरियंस मांगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपको 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, बट आपने कहीं इंटर्नशिप किया, आपने ट्रेनिंग किया, आपको इससे रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो अपने रिज्यूमे में ऐड करके एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन से रिलेटेड पता हो, आपको डिज़ाइन करनी आती हो, नहीं तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर भी एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी ओपनिंग है BE BTEC मैकेनिकल और प्रोडक्शन वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अच्छा सैलरी पैकेज कंपनी आपको देगी। अप्लाई करने का तरीके पे आपने ज्वाइन अस पे क्लिक कर देना। जैसे ही ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे, फर्दर यहाँ पर पेज ओपन होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट को पढ़ के आपने यहाँ पर जो है ये प्राइवेसी स्टेटमेंट को पढ़ लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये उनके लिए होता है जिन्होंने पहले कभी मर्सिडीज़ बेंज में अप्लाई किया है।
अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेना जहाँ पर लिखा है डू नॉट हैव एन अकाउंट, न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेना। न्यू यूज़र पे जैसे क्लिक करेंगे अपनी एक फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपने अकाउंट को यहाँ क्रिएट कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना जो प्रोफाइल है लिंक्डइन के थ्रू भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं क्लिक करके। सो इस तरह आपने अपना प्रोफाइल जो है बनाना है, क्रिएट अकाउंट करना है, उसके बाद लॉगिन करके यहाँ पर अप्लाई कर लेना, जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन आप सभी कंपनीज में इसी तरह करते हैं, आपको ये पता ही है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।